Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mihir Joshi. This is the MJ Show, and we are ready to go on with two brilliant artists on this fine day. Firstly, I want to wish you all a very, very happy Independence Day. I hope you guys had a good time. I'm guessing everybody is at home, so there's no point in me saying I hope you had a good time at home. But I hope you spent a little time thinking about what the independence of our country, what this country means to you. And I hope you have a few answers. I hope you have a few thoughts which make you proud to be an Indian. I know I'm proud to be an Indian. I'm proud of the incredible culture, the incredible music, the incredible stories that we have in our country. And you know, today is a day we celebrate that. So, you know, I thought I'd get two really brilliant artists today on the MJ Show. And they're literally on the opposite ends of the spectrum. First up, right this minute, I can see that my guest for now has already come on. He is a brand new rapper, a young man who has just put out two new record label called TM Music. I love both of his songs. And I said, hey, let's get him on. Let's talk about both his songs. He's a rapper, like I said, and welcome on the MJ Show, the absolutely talented Badal. Hi, Badal. How are you? Hello, sir. How are you? How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ यार. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे दो गाने रिलीज हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और जो रिस्पॉन्स भी मिला है उसके लिए वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो पहली बात कोई भी तुम्हारी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट इनटू रैप, हाउ डिड यू दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक? तो सर, एक्चुअली मेरी जर्नी आई थिंक बहुत सिंपल सी रही है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कोई इतना मतलब आई थिंक मैंने कोई स्ट्रगल ऐसा कुछ फेस या मतलब फील नहीं किया. स्ट्रगल तो किया है बट फील नहीं किया, या कुछ ऐसा मैंने मतलब सोचा नहीं कि यार अच्छा यार ये कैसे मतलब मुश्किल है या जो मर्जी है. बट स्टार्टिंग से मुझे पता था कि मैं मतलब नॉर्मल लाइफ स्टाइल जैसा होता है 9 to 5 काइंड ऑफ तो नहीं था मैं. और मैं जब भी मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तब तक मुझे नहीं पता था मुझे म्यूज़िक करियर करना है या जो मतलब करना क्या है लाइफ के अंदर. तो बट धीरे धीरे कॉलेज के दिन आने लगे तो फिर एंड आई वाज रियलाइजिंग के यार अच्छा चलो अभी कॉलेज, अच्छा फिर करियर और फिर जॉब. तो फिर मेरे को सर डर लगने लगा यार भाई ये तो मतलब ये तो नहीं मैं चाहता अपनी लाइफ के अंदर. मतलब दैट्स नॉट बैड बट दैट वाज नॉट फॉर मी एक्चुअली. तो या तो सर मैं धीरे धीरे मुझे एक चीज मुझे पता थी कि मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है. बचपन से लिखना नहीं आता था सर, स्कूल खत्म हो गया, लिखना भी नहीं आता था गाने, म्यूजिक बनाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था. ठीक है, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली नहीं सपोर्ट मतलब इतना कर सकते थे कि बड़े स्टूडियो जाओ भाई, बड़े कंपोजर्स के पास जाओ, प्रोड्यूस करवाओ अपना गाना, यू नो रिलीज करो. सो नथिंग लाइक दैट. तो धीरे धीरे सर ऑप्शन सिर्फ एक ही था मेरे पास कि मैं खुद से सीख लूं, यू नो. तो खुद से मैंने सर लिखना स्टार्ट किया. पहले बहुत बेकार लिखता था, धीरे 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 इम्प्रूव हुआ. आज भी मैं अभी लास्ट गाना जो भी लिखा उसके बाद भी मैं सर उसी से सीख के आगे लिखता हूँ, बिकॉज एवरीडे लर्निंग प्रोसेस है. और म्यूजिक फिर मैंने सीखा कि भाई खुद ही बनाना पड़ेगा, काके तेरा कोई नहीं म्यूजिक बनाएगा. तो फिर सर धीरे धीरे म्यूजिक बनाया मैंने और धीरे धीरे फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मैंने. वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ने लगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा एंड देन आई गॉट इन टू लाइक प्रोफेशनल लाइक म्यूजिक बिजनेस. तो तुम्हारा टीएम म्यूजिक के साथ मिलना कैसे हुआ? उन्होंने तुम्हें डिस्कवर किया यानी तुम्हारा यूट्यूब चैनल देख के मालूम पड़ा कि यार तुम ऐसे गाते हो और वो उन्होंने तुमको अप्रोच किया या तुमने उनको अप्रोच किया? हाउ डिड इट वर्क आउट? तो सर इट वाज एक्चुअली एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू वी गॉट इन टच. एंड इससे टीएम म्यूजिक से पहले मैं बीइंग यू म्यूजिक के अंदर था, बीइंग यू म्यूजिक के साथ मैं काम करता था. तो हम उनके साथ तस्सीम मित्तल सर जो हमारे हैं टीएम म्यूजिक के, तो उनके साथ मैं मिला उनके थ्रू. तो उन्होंने मुझे मिलवाया फिर एंड देन आई गॉट टू नो तस्सीम भाई एंड देन मैंने उनको अपने गाने सुनाए, लाइक वर्बली सुनाए, कुछ ऐसे रिकॉर्डेड नहीं थे, कुछ नहीं थे. तो वर्बली उनको लाइक क्लिक हो गया और एंड ही वाज लाइक कि यार काम करना साथ में. तो सो दैट्स इंटरेस्टिंग. तो पहला जो गाना तुमने तस्सीम को सुनाया वो कौन सा था? थोड़ा सा सुनाओ, हमें भी सुनाओ, मालूम पड़े क्या उन्होंने सुना और सोचा कि यार इस लड़की को देना है. सर वो मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी तक वो रिलीज नहीं हुए गाने. तो एक्चुअली तो मैंने उनको, हाँ जी हाँ जी, तो मैंने उनको दस गाने कुछ ऐसे सुनाए थे उनको बैठ के. उन्होंने बिल्कुल पेशेंटली लाइक सुने वो गाने वर्बली
और एक एक गाना सर पूरा पूरा पैरा पूरा पूरा गाना सुनाया मैंने। लाइक बीच में बंदा चलो जैसे बोर हो जाता है यार, नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो पूरे पूरे मैंने उनको गाने सुनाए, उनमें से दो गाने अफसोस भी था और पीता नहीं भी था। तो सर ये इनको बहुत पसंद आया एंड दे वर वेरी गुड। लाइक के यार बिल्कुल तो इनको प्रोड्यूस अफसोस करते हैं तुम्हारा हम तीन लोग। महीने पहले रिलीज हुआ, राइट? अराउंड 3 महीने हो चुके। और अफसोस का जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, उसके बारे में बताओ। व्हाट वाज द, तुमको कैसे लगा जब तुम्हारा ये पहला गाना रिलीज हुआ, और अभी क्या आई थिंक 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं उस गाने के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आई हैवन चेक येट, सो कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया अभी, बट मैं टेल मी हाँ अबाउट दिस सॉन्ग, टेल मी हाउ इट फेल्ट टू सी योर सर, इट सॉन्ग वाज रिलीज नेवर इन दिस प्लान, ब्यूटीफुल वे। कोई प्लान नहीं था कि इसको लॉकडाउन के अंदर रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो ऐसा वीडियो बनाएंगे इसका ये भी प्लान नहीं था, बिकॉज लॉकडाउन के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास एनिमेटेड वीडियो करने के अलावा। बट आई थिंक सभी, हमने सोचा कि सभी अपने फोन पर हैं आज के टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और एवरीबडी इज इन लाइक ऑन द फोन। तो हमने सोचा कि यार अभी सही टाइम है, कोई गाना ना स्टार्ट करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं। एंड दैट्स हाउ लाइक अपने आप होता गया सब कुछ सर। ऑडियो That's रेडी पड़ा था, amazing. एंड या ऑडियो रेडी पड़ा था ऑलरेडी, एंड बस वीडियो के ऊपर काम किया और रिलीज किया लोगों क्या ने, और बात है। काफी मुझे नहीं, अच्छे और रिस्पॉन्स आए हैं। ये जो पीरियड रहा है सबके लिए, जो अभी पिछले अभी 5 महीने हम सब घर पे अटके हुए हैं, आई थिंक बहुत अच्छा रहा है नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए। फिल्मों बिल्कुल बिल्कुल का सर, अब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो यू नो सब लोग सोच रहे हैं कि चलो कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल। और अच्छे अच्छे गाने भी रिलीज हो रहे हैं, और उसके साथ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को एक मौका भी मिल रहा है कि लोगों तक पहुंचाया अपने गाने। हाँ और जी हाँ जी तुम्हारे साथ मैं कहूंगा यही हुआ है, यू गॉट टू फाउंड द राइट टाइम सर, इनएडवर्टेंटली टू रिलीज योर सर म्यूजिक। हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये चीज ना सही जो कह अब रहे हो, हुई है। बहुत आई थिंक आर्टिस्ट के लिए अपना मतलब अपने आप को डिफाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। चलो ठीक है, बॉलीवुड किया ये किया, बट आई थिंक आर्टिस्ट जब तक अपनी आर्ट उसकी आर्टिस्ट को नहीं डिफाइन करेंगे ना, तो बात नहीं बनती। तो अपने बिल्कुल बारे में कुछ सिंगर्स को जितने भी होते हैं, आई थिंक मैं तो यही कहूंगा जो सिंगर्स हैं या कंपोजर्स हैं वो अपने लिए कुछ करें, लाइक लोगों को अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में बताएं थ्रू देयर सॉन्ग्स। और यही सर आई थिंक हमेशा करना ही चाहिए था शुरू से। दैट्स फैंटास्टिक। नहीं बहुत सही कहा। यू नो तो मुझे ये बताओ, अभी जो लेटेस्ट गाना जो रिलीज हुआ है, तो रिलीज हुए कुछ 4-5 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से, पीता नहीं, इसकी क्या कहानी है? क्योंकि मैं फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग आई रियलाइज कि तुम जो लिखते हो अपने बारे में लिखते हो, इसकी क्या कहानी है? सर बहुत ही अजीब सा ही है उस तरीके की कहानी है उस गाने की। पीता नहीं गाना सर, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका था एक्चुअली, सारा दिन मैं घर पे था, कुछ मेरे को सूझ नहीं रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के अंदर मैंने रात को बैठ के गाना के यार कुछ तो बनाना ही है आज, कुछ नहीं किया सारे दिन। और मेरा सर ऐसे होता है कि मैं कुछ अगर एक दिन कुछ नहीं करूँ ना, तो मेरे को बड़ा लाइक वो हो जाता है कि यार आज कुछ करें म्यूजिक में, या कुछ कोई बीट नहीं बनाया या कुछ लिखा नहीं। तो सर अच्छा यही हुआ था मेरे साथ। तो रात को मैंने बैठा और लिखना स्टार्ट किया, दिमाग में कुछ नहीं आया, दो चार दोस्तों को फोन मिलाया, सब कह रहे थे यार मार्क तो लाइफ ऐसी होगी कॉलेज के बाद ये वो, मैं कह सब फ्रस्ट्रेटेड ही है। तो सर बातें, हाँ तो बातें की, खुद कुछ अपनी लाइफ के बारे में लिखा उस गाने में, कुछ उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा सर, और रियलिटी लिखने की कोशिश करे सर। ज्यादा कोई मैंने इमेजिनरी इसके अंदर सोचा नहीं किया ये वो, जो सर रियलिटी मुझे लगी लाइफ में। और सर ये मैंने आधे एक घंटे के अंदर गाना लिखा था क्या बात पूरा। है यार, तो सबको सुना दो तो थोड़ा सा अभी, लेट्स हियर अ लिटिल बिट ऑफ दैट। पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं, पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं, पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं, पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं। अरी का नशा, कलाकारी का नशा, बेरोजगारी का नशा, मुझे हाथ मेरे खाली का नशा, घर पे जो मिले गाली का ए नशा, मुझे बनू मैं भी वॉन्नबी, नशा खुद गर्ज रहूं बनू किसी का नहीं।
ये नशा करियर के लिए मैं तोड़ू रिश्ते वो सारे बचपन से जिए जो ए नशा सेलिब्रेट मैं करूं अकेले जिंदगी जीऊं अकेले बेड पे मरूं अकेले। हाँ बैठे बैठे सोचता रहूं जिंदगी को कोसता रहूं, ए पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं, पीता नहीं पर नशे में मैं रहूं, सफेदों का छोरा। भाई अब मैंने तुमको ये पूछा ही नहीं, तुम कौन से शहर से हो, कहाँ से आए हो, सबको बता दो तुम्हारे बारे में थोड़ा सा। सर आई एम फ्रॉम हरियाणा, सफेदों, सफेदों हरियाणा। सफेदों, अच्छा, तो इसीलिए तुम, तुम्हारे गाने में और तुम्हारे शायद टाइटल में भी जब मैंने देखा वीडियो के आप सफेदों का छोड़ा लिखा, मैं पूछने वाला था दैट्स वेयर यू कम फ्रॉम, दैट्स दैट्स रियली कूल। और यू नो व्हाट, आई लव द फैक्ट दैट अभी अगर तुम देखो तो इवन रैप और हिप हॉप म्यूजिक में मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े अभी फैक्शन हो चुके हैं। एक कहूंगा पंजाब हरियाणा साइड का जो एक फैक्शन है जो अपने किस्म के गाने बना रहा है, और एक अभी ये जो मुंबई का जो पूरा फैक्शन हो चुका है जहाँ पे मुंबई का रैप चल रहा है, यू नो कहीं रैप है, ऑल दैट, एंड इट्स ग्रेट टू सी द इमर्जेंस ऑफ रैप म्यूजिक इन इंडिया। अभी काफी सालों से हो रहा है, बट इट्स ग्रेट टू सी दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बचपन में एक्चुअली मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं शायद 8th या 9th क्लास में था तो हम बोहेमिया की एल्बम आई थी, बोहेमिया को सुनते थे सभी, तो दैट वाज द स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली लाइक हिप हॉप के अंदर, कि हम इंट्रोड्यूस हुए हिप हॉप के साथ लाइक बोहेमिया के थ्रू। तो सर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर नॉर्थ में आया लाइक फिर हनी सिंह ने उसको कमर्शियली लेवल पे बहुत बड़ा हिप हॉप को लेकर गए, फिर गली बॉय आए सर बॉम्बे में, एंड देन इट वाज लाइक एवरीवेयर। तो बड़ा अच्छी बात है सर, हिप हॉप बहुत आगे जा रहा है। और मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है रैप म्यूजिक के लिए, बिकॉज़ नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम। बॉलीवुड में गली बॉय में आने के कारण अभी सब पूरे देश को मालूम पड़ गया। आई थिंक मैं तो कहूंगा कि अभी अगर छोटे छोटे बच्चों को भी तो व्हाट इज योर फेवरेट स्टाइल ऑफ, मोस्ट ऑफ देम ग्रेविटेट टुवर्ड रैप, एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज़ देयर सो मच एक्सप्रेशन दैट इज अवेलेबल विद इन रैप। तुम्हारे इसी गाने में अगर देखे, आई लव द फैक्ट दैट यू सिंग योर पार्ट्स आल्सो वेरी वेल, और फिर तुम तुम्हारा रैप करते हो। Most often you'll find that the rappers will just rap, or कोई किसी singer को लेके आते हैं, वो अपना गाना गाता है और उसके ऊपर you know you do your rap on top of that. But I think this was a beautifully done song and it's a great production as well. Sunny MRN team involved with the production, right? कैसा, how did it feel like working with him? Oh, actually बहुत बहुत मजा आया। अफसोस के ऊपर भी उन्होंने काम किया था, थोड़ा एडिशनल जो प्रोग्रामिंग थी उन्होंने की थी उसके ऊपर। एंड इनको मैंने सनी भाई को मैंने गाना भेजा, ये ऑडियो भेजा, और बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि यार थोड़ा इसमें जैज वाइब चाहिए और थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप चाहिए, तो उन्होंने बस बना के भेज दिया अगले दिन। एंड मैंने कुछ नहीं कहा कि यार इसमें ये चेंज वो चेंज, मेरे को लाइक सही लगा बिल्कुल ही, तो मैं तो सर वही चल गया सीधे, तो कुछ ज्यादा उसमें वो नहीं हुई कि यार ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंस्टेंट था सर सब कुछ। और मैं सर कभी भी या तो मैं सर मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं देखता हूँ क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो यू नो दूसरे की क्रिएटिविटी के ऊपर वो हावी हो जाते हैं, यू नो लाइक समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू इन म्यूजिक प्रोडक्शन, अगर उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी है आर्टिस्ट ने तो वो शायद उस चीज को मना कर देगा, यार ये अच्छा ये नहीं है, अब ये तो अजीब सा लग रहा है। बट हमें दूसरे की क्रिएटिविटी को भी थोड़ा लाइक वो करना चाहिए, इसलिए मैं सनी भाई को मैं ना अफसोस के अंदर मैंने कुछ बोला ना इस गाने के अंदर मैंने कुछ बोला, बिकॉज आई नो ही इज द लाइक ही इज सी व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी व्हाट ही वाज एबल टू डू इज वो जो मेनस्ट्रीम सेंसिबिलिटीज है जो लोगों को अच्छी लगती है बॉलीवुड गानों में, वो भी उसने इसमें थोड़ी एक तरीके से लाई है यहाँ पे, दैट काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी की, यार ये लग रहा है कि एक मेनस्ट्रीम गाना है पर एट द सेम टाइम इट इज तुम्हारा गाना है, तुमने लिखा है, तुम्हारा जो स्टाइल है जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है उसमें से पूरी तरह उभर के आ रही है, और उसके साथ साथ जो म्यूजिक प्रोडक्शन किया है इतना फ्रेश और इतना अच्छा है कि यार कोई जिसे म्यूजिक समझ में ना भी आए वो भी अगर गाना सुनेगा एंजॉय कर पाएगा, विच इज व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट सनी प्रोडक्शन ऑन दिस। तो गुड स्टफ मैन,
कॉन्ग्रेचुलेट योर एंटायर टीम एंड मैं टीएम म्यूजिक के सारे लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. बहुत अच्छा लग रहा है वो लोग अच्छे गानों को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड आई एम एक्साइटेड. तुमने कहा तुमने 10 गाने सुनाए थे तनसेन को, अभी तक हमने तो सिर्फ 2 ही सुने, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा हमारा अगला गाना. क्या सब लाइन होने वाला है अगला गाना? सर सब कुछ लाइंड अप है, ऑडियो ऑलरेडी मैंने बना ली है एंड बस उनके ऊपर थोड़ा बहुत मिक्सिंग मास्टरिंग का काम रह रहा है और कुछ नहीं है उसमें. लिरिक्स लिख दिए हैं, सब कुछ कर दिया एंड सब धीरे धीरे आते रहेंगे. यू नो जैसे अफसोस आया अब एक दो एक डेढ़ महीने में ये आ गया, तो अब वो भी धीरे धीरे आता रहेगा सर. चलो लेट्स ब्रेक सम न्यूज़ हियर ऑन दिस शो ऑन दिस एपिसोड. अगले गाने का नाम तो बता दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि गा के दिखाओ, अगले गाने का नाम तो बताओ. नहीं नहीं उसके बारे में वापस मिलके बातें करेंगे. डेफिनेटली ब्रदर, डेफिनेटली डेफिनेटली आप सुनोगे जल्दी, बहुत जल्दी, ज्यादा वेट नहीं हुआ उसके लिए. एक्सेलेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत अच्छा लगा तुमसे आज बात करके. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक आई सेड लिसनिंग टू मोर म्यूजिक फ्रॉम यू. बाय. Take care of yourself. And that is pretty much all the time I have with Badal. Ye Badal hai, mera naam Mihir Joshi hai. Ye episode aapne jo dekha hai, it will go up on the YouTube channel of the MJ Show, jahan pe main aapko iske dono gaano ke links description mein de dunga. Zarur dekhiye. Give it a lot of love. Share it with everybody. Great songs. And the only way that independent music in our country is going to work is if people watching, people listening to it, share that music with more and more and more people. So, आप आपका काम करिए, मैं मेरा काम करते रहूंगा. एंड मैं वापस आने वाला हूं आपके साथ थोड़े ही देर में, इन अबाउट 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ विद अ फेनोमिनल सिंगर. उन्होंने थोड़े ही दिनों पहले, 4 दिन पहले आई थिंक, उनका एक वर्जन ऑफ वंदे मातरम रिलीज किया है. मैं आपको उसका भी लिंक जल्द ही दे दूंगा, जरूर देखिए. इट इज अनबिलीवेबल. रिकॉर्डेड एट एबी रोड स्टूडियोज विद द रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, उनसे काफी कुछ बातें करनी है. तो मैं मिलूंगा इला पालीवाल जी के साथ इन जस्ट अ लिटिल वाइल फ्रॉम नाउ. आप भी मेरे साथ वापस जुड़िए. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू अगेन इन अबाउट 10 मिनट्स. दिस इज द एमजे शो. आई एम मिहिर जोशी एंड कम बैक एंड जॉइन मी एट 10:30.